आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका और सदन के सभी आदरणीय सदस्यों का आभार भी व्यक्त करता हूँ और हम सब आज गौरव भी महसूस कर रहे हैं कि अगस्त क्रांति का पुण्य स्मरण करने का इस सदन के पवित्र स्थान पर हम लोगों को सौभाग्य मिला है। हम में से बहुत लोग हैं जिन्हें शायद अगस्त क्रांति, 9 अगस्त, उन घटनाओं का स्मरण होगा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के लिए भी पुनः स्मरण प्रेरणा का कारण बनता है और समाज जीवन में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का बार बार स्मरण, जीवन की भी अच्छी घटनाओं का बार बार स्मरण जीवन को एक नई ताकत देता है, राष्ट्र जीवन को भी नई ताकत देता है। उसी प्रकार से हमारी जो नई पीढ़ी है उन तक भी एक बात पहुंचाना हम लोगों का कर्तव्य रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के एक स्वर्णिम पृष्ठों को, उस समय के माहौल को, उस समय के हमारे महापुरुषों के बलिदान को, कर्तव्य को, सामर्थ्य को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी हर पीढ़ी का दायित्व रहता है। जब अगस्त क्रांति के 25 साल हुए, 50 साल हुए, देश के सभी लोगों ने उन घटनाओं का स्मरण किया था। आज 75 साल हो रहे हैं और मैं इसे बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय जी का आभारी हूं कि आज हमें ये अवसर मिला है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त एक ऐसी अवस्था में है, इतना व्यापक, इतना तीव्र आंदोलन अंग्रेजों ने भी कल्पना नहीं की थी। महात्मा गांधी वरिष्ठ नेता सब जेल चले गए और वही पल था कि अनेक नए नेतृत्व के ने जन्म लिया। लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कई अनेक वीर युवा उस समय उस जो खाली जगह थी उसको भरा और आंदोलन को आगे बढ़ाया। इतिहास की ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा, नया सामर्थ्य, नया संकल्प, नया कर्तृत्व जगाने के लिए किस प्रकार से अवसर बने, ये हम लोगों का निरंतर प्रयास रहना चाहिए। 1947 में देश आजाद हुआ, एक प्रकार से 1857 से लेकर के 1947 तक आजादी के आंदोलन के अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग पराक्रम हुए, अलग अलग बलिदान हुए, उतार चढ़ाव भी आए, अलग अलग मोड़ पर से आंदोलन गुजरा, लेकिन 47 की आजादी के पहले 42 की घटना एक प्रकार से अंतिम व्यापक आंदोलन था, अंतिम व्यापक जनसंघर्ष था और उस जनसंघर्ष में आजादी के लिए देशवासियों को सिर्फ समय का ही इंतजार था, वो स्थिति पैदा कर दी थी। और जब हम आजादी के इस आंदोलन की ओर देखते हैं तो 1942 एक ऐसी पीठिका तैयार हुई थी
1857 का स्वतंत्र संग्राम एक साथ देश के हर कोने में आजादी का ब्यूगल बजा था, और उसके बाद महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उस भाव को प्रकट करना, 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना, अनेक वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, अनगिनत अपने अपने समय पर बलिदान देते रहे। ये सारा ने एक पीढ़िका तैयार की, और इस पीढ़िका का परिणाम था कि 42 ने देश को एक उस छोर पे लाकर रख दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ये मिजाज देशवासियों का बन गया था। और इसके कारण उस आंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था। कभी लगता था आजादी का आंदोलन एक एलिट टास्क के द्वारा चल रहा है, लेकिन 42 की घटना, देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था, देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना न माना हो, और गांधी के शब्दों को लेकर के वो चल पड़े थे। यही तो आंदोलन था। जब अंतिम स्वर में बात आई भारत छोड़ो, और सबसे बड़ी बात है महात्मा गांधी के पूरे आंदोलन में जो भाव कभी प्रकट नहीं हो सकता था, पूरे गांधी के चिंतन मनन और विचार और आचार को देखें, उससे हटकर के घटना घटी कि इस महापुरुष ने कहा करेंगे या मरेंगे। गांधी के मुंह से करेंगे या मरेंगे शब्द देश के लिए अजूबा था, और इसलिए गांधी को भी उस समय कहना पड़ा था, और उन्होंने शब्द कहा था, आज से आप में हर एक को स्वयं को एक स्वतंत्र महिला या पुरुष समझना चाहिए, और इस प्रकार काम करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र है। मैं पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। हम करेंगे या मरेंगे, ये बापू के शब्द थे, और बापू ने स्पष्ट भी किया था कि मैंने मेरे अहिंसा के मार्ग को छोड़ा नहीं है। लेकिन आज स्थिति ऐसी, और वो समय जन सामान्य का दबाव ऐसा था कि बापू के लिए भी उसका नेतृत्व संभालते हुए उन जन भावनाओं के अनुकूल इन शब्द प्रयोगों को करना हुआ था। मैं समझता हूं कि उस समय समाज के जब सभी वर्ग जुड़ गए, गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, हर कोई इस आंदोलन के साथ जुड़ गए, और करेंगे या मरेंगे, और बापू तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेजों की हिंसा के कारण कोई भी शहीद होता है तो उसके शरीर पर एक पट्टी लिखनी चाहिए, करेंगे या मरेंगे, और वो इस आजादी का आंदोलन का शहीद है। इस प्रकार की ऊंचाई तक इस आंदोलन को बापू ने ले जाने का प्रयास किया था, और उसी का परिणाम था कि भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हुआ। देश उस मुक्ति के लिए छटपटा रहा था। नेता हो या नागरिक, किसी की इस भावना की तीव्रता में कसू भर भी अंतर नहीं था। और मैं समझता हूं देश जब उठ खड़ा होता है, सहमतता की जब शक्ति पैदा होती है, लक्ष्य निर्धारित होता है, और निर्धारित लक्ष्य पर चलने के लिए लोग कृतसंकल्प होकर के चल पड़ते हैं, तो 42 से 47 पांच साल के भीतर भीतर बेड़ियां चूर चूर हो जाती हैं और मां भारती आजाद हो जाती है। और इसलिए, और उस समय
राम वृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने एक किताब लिखी है जंजीरें और दीवारें, और उस परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, एक अद्भुत वातावरण पूरे देश में बन गया। उस पल को उन्होंने शब्द अंकित किया था, हर व्यक्ति नेता बन गया और देश के प्रत्येक चौराहा करो या मरो आंदोलन का दफ्तर बन गया। देश ने स्वयं को क्रांति के हवन कुंड में झोंक दिया। क्रांति की ज्वाला देश भर में धू धू करके जल रही थी। बंबई ने रास्ता दिखा दिया, आवागमन के सारे साधन ठप हो चुके थे, कचहरियां वीरान हो चली थी। भारत के लोगों की वीरता और ब्रिटिश सरकार की नृशंसता की खबरें सब दूर पहुंच रही थी। जनता ने करो या मरो के गांधीवादी मंत्र को अच्छी तरह दिल में बैठा लिया था। उस समय का ये वर्णन उस किताब में जब पढ़ते तब पता चलता है कि किस प्रकार का माहौल होगा। और एक वो समय था कि ये घटना ने, ये बात सही है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था इसका आरंभ हिंदुस्तान में हुआ, और इस घटना के बाद उसका अंत भी हिंदुस्तान से हुआ था। भारत आजाद होना सिर्फ भारत का आजादी नहीं थी, 1942 के बाद विश्व के जिन जिन भूभाग में, अफ्रीका के, एशिया में इस उपनिवेशवाद के खिलाफ एक ज्वाला भड़की, उसकी प्रेरणा केंद्र भारत बन गया था। इसलिए भारत सिर्फ भारत की आजादी नहीं, एक आजादी की ललक विश्व के कई भागों में फैलाने में भारत के जन सामान्य का संकल्प और कर्तृत्व कारण बन गया था। और कोई भी भारतीय इस बात के लिए गर्व कर सकता है, और उसको हमने देखा कि एक बार भारत आजाद हुआ तो उसके बाद एक के बाद एक उपनिषदवाद के सारे लोगों के झंडे ढहते गए और आजादी सब दूर पहुंचने लगी। कुछ ही वर्षों में दुनिया के सारे देशों को आजादी प्राप्त हो गई। और ये काम, और ये इससे बताता है कि ये भारत की इच्छा शक्ति का, प्रबल इच्छा शक्ति का एक उत्तमोत्तम परिणाम था। हमारे लिए सबक यही है कि जब हम एक बन करके संकल्प लेकर के पूरे सामर्थ्य के साथ निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाते हैं, तो ये देश की ताकत है कि हम देश को संकटों से बाहर निकाल देते हैं, देश के को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाल सकते हैं, देश को नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार कर सकते हैं। ये इतिहास ने बताया है। और इसलिए उस समय इस पूरे आंदोलन को और पूज्य बापू के व्यक्तित्व को लगते हुए राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है, बापू का सामर्थ्य क्या है उसको प्रकट करती है। उस कविता में उन्होंने कहा था, चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी ओर। जिस तरफ गांधी के दो कदम चले देते थे उस तरफ अपने आप करोड़ों लोग चल पड़ते थे। जिधर गांधी जी की दृष्टि टिक जाती थी उधर करोड़ों करोड़ आंखें देखने लग जाती थी। और इसलिए इस महान व्यक्तित्व ने, लेकिन आज जब हम 2017 में हैं, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे पास गांधी नहीं है। आज हमारे पास उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था वो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिलकर के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, तो मैं मानता हूं कि गांधी के सपनों को, उस स्वतंत्र सेनानियों को सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं। और आज
आज का ये अवसर इसी बात के लिए हमें उस समय भी जो वैश्विक हालत थे 1942 में भारत की आजादी के लिए बड़े अनुकूल माहौल था, जो भी उस प्रकार उस इतिहास से परिचित है उनको मालूम है। मैं समझता हूं आज फिर से एक बार 2017 में, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वो अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सानुकूल है, और उस अनुकूल व्यवस्था का फायदा हम जितना जल्दी उठा दें, जैसे उस समय विश्व के कई देशों के लिए हम प्रेरणा का कारण बने थे, अगर आज हम मौका ले लें तो आज फिर से एक बार हम विश्व के कई देशों के लिए उपयोगी हो सकते हैं, प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। ऐसे मोड़ पर आज हम खड़े हैं 1942 एंड 2017, इस दोनों में एक वैश्विक परिवेश में भारत का महात्म्य, भारत के लिए अवसर समान रूप से खड़े हैं। और उस समय हम इस बात को कैसे लें, हम उसको जिम्मेवारी कैसे लें, मैं मानता हूं इतिहास के इन प्रकरणों से, सामर्थ्य से प्रेरणा लेकर के हमारे लिए दल से बड़ा देश होता है, राजनीति से ऊपर राष्ट्रनीति होती है, मेरे अपने से ऊपर 125 करोड़ देशवासी होते हैं। अगर उस भाव को लेकर के हम उठ चले, हम सब मिलकर के आगे बढ़े, तो हम इन समस्याओं के खिलाफ सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम इस बात का इनकार कैसे कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी दीमक ने देश को कैसे तबाह करके रखा हुआ है। राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, सामाजिक भ्रष्टाचार हो, या व्यक्तिगत भ्रष्टाचार हो, कल क्या हुआ, कब किसने किया, उसके लिए विवाद के लिए समय बहुत होते हैं। लेकिन आज पवित्र पल हम आगे कोई ईमानदारी का उत्सव मना सकते हैं, ईमानदारी का संकल्प लेकर के देश का नेतृत्व कर सकते हैं, क्या देश को ले जा सकते हैं, ये समय की मांग है, देश के सामान्य मानवी की मांग है। गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को हम सरकार की चुनौतियां ना माने, वो चुनौतियां देश की है, देश के गरीब के सामने संकट भरे सवाल खड़े हैं, और इसलिए देश के लिए जीने मरने वाले, देश के लिए संकल्प करने वाले हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि इसको पूरा करने के लिए हम कुछ मुद्दों पर 1942 में भी अलग अलग धारा के लोग थे, हिंसा में विश्वास करने वाले भी लोग थे, नेताजी सुभाष बाबू की सोच अलग थी, लेकिन 42 में सबने एक स्वर से कह दिया था आज तो गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया यही हमारा मार्ग है। हमारे भी लालन पालन विचारधारा अलग अलग रही होगी, लेकिन ये समय की मांग है, ये समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर के चले, चाहे गरीबी हो, भुखमरी हो, अशिक्षा हो, अंधश्रद्धा हो। महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना कितना पीछे छूट गया, क्या कारण है कि गांव लोग छोड़ छोड़ करके शहरों की ओर बस रहे। गांव की उस चिंता को गांधी के जो मन में गांव था, क्या हम हमारे भीतर उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? गांव गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उसके जीवन के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, मिल करके करना है। ये सवाल मेरा और तेरा नहीं है, ये सवाल इस पार का उस पार का नहीं है, ये हम सबका है, 125 करोड़ देशवासियों का है, 125 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि का है। और यही तो जब समय होता है जब वो प्रेरणा हम लोगों को कुछ कर लेने की शक्ति देती है, और उसको लेकर के हम आगे चल सकते हैं। हम ये भी जानते हैं देश में जाने अनजाने में अधिकार भाव प्रबल होता चला गया, कर्तव्य भाव लुप्त होता गया, राष्ट्र जीवन के अंदर, समाज जीवन के अंदर अधिकार भाव का महात्म्य उतना ही रहते हुए भी अगर कर्तव्य भाव को थोड़ा सा भी हम कम आंकने लगेंगे तो समाज जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें होती हैं। और दुर्भाग्य से
दुर्भाग्य से हम लोगों का वे ऑफ लाइफ, हमारे चरित्र में कुछ चीजें घुस गई है जिसमें हमें बुरा ही नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं। अगर मैं चौराहे पर रेड लाइट का को छोड़ करके क्रॉस करके निकल जाता हूं तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कानून तोड़ रहा हूं। मैं कहीं पर थूक देता हूं, गंदगी करता हूं, हमें लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रहा हूं। हम अपने कर्तव्य भाव से एक प्रकार से हमारे जहन में, हमारे वे ऑफ लाइफ में इस प्रकार की नियमों को तोड़ना, कानूनों को तोड़ना ये स्वभाव बनता चला गया है। छोटी छोटी घटनाएं हिंसा की ओर ले जा रही है। अस्पताल में किसी डॉक्टर के द्वारा कोई पेशेंट का कुछ हुआ, डॉक्टर दोषी है नहीं है, अस्पताल दोषी है नहीं है, रिश्तेदार जाते हैं अस्पताल को आग लगा देते हैं, डॉक्टर को मारते हैं, पीटते हैं। हर छोटी मोटी घटना, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हम कार को जला देते हैं, ड्राइवर को मार देते हैं। ये जो चला है ये हम लॉ अबाइडिंग जो सिटीजन के नाते हमारा कर्तव्य होना चाहिए, हम मानने लगे हैं कि हमारे से ये छूट गया है। हमारे वे ऑफ लाइफ में ऐसी चीजें घुस गई है जैसे हमें लगता ही नहीं है कि हम कानून तोड़ रहे हैं। और इसलिए ये लीडरशिप की जिम्मेवारी होती है, समाज के अंदर हम सब की जिम्मेवारी होती है कि हम समाज के अंदर इन दोषों से मुक्ति दिला करके समाज के अंदर कर्तव्य भाव को जगाएं। शौचालय, स्वच्छता, ये विषय मजाक के नहीं है। उन मां बहनों की परेशानी समझे तब पता चलता है कि जब शौचालय नहीं होता तो रात के अंधेरे का इंतजार करते समय दिन कैसे बिताना पड़ता है। और इसलिए शौचालय बनाना एक काम है, लेकिन समाज की मानसिकता बदल करके शौचालय का उपयोग करना ये जन सामान्य की शिक्षा के लिए आवश्यक होता है। इस भाव को हमें जगाना होगा। और ये भाव कानूनों से नहीं होता है, कानून बनाने से नहीं होता है, कानून उसमें मदद कर सकता है लेकिन कर्तव्य भाव जगाने से ज्यादा हो सकता है। और इसलिए हम लोगों को करना होगा। हमारे देश की माताएं बहनें, देश के अंदर कम से कम देश पर जो उनका बोझ है, देश को कम से कम जिनका बोझ सहना पड़ता है, वो अगर कोई वर्ग है तो इस देश की माताएं बहनें हैं, महिलाएं हैं। उनका सामर्थ्य हमें कितनी ताकत दे सकता है, उनकी भागीदारी हमारे विकास के अंदर हमें कितना बल दे सकती है। पूरे आजादी के आंदोलन में देखिए, महात्मा गांधी के साथ आंदोलन के जहां जहां हुआ, अनेक ऐसी माताएं बहनें उस आंदोलन का नेतृत्व करती थी। और देश को आजादी दिलाने में भी हमारी माताओं बहनों का उस युग में भी उतना ही योगदान था। आज भी राष्ट्र के जीवन में उनका उतना ही योगदान है। उसको आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोगों ने कर्तव्य से आगे बढ़ना चाहिए। ये बात सही है कि 1857 से 1942 हमने देखा कि आजादी का आंदोलन अलग अलग पड़ाव से गुजरा, उतार चढ़ाव आए, अलग अलग मोड़ आए, नेतृत्व नए नए आते गए, कभी क्रांति का पक्ष ऊपर हो गया तो कभी अहिंसा का पक्ष ऊपर हो गया, कभी दोनों धाराओं के बीच में टकराव का भी माहौल रहा, कभी दोनों धाराएं एक दूसरे को पूरक भी हुई। लेकिन हमने देखा है कि करता, लेकिन ये सारा 1857 से 1942 का कालखंड हम देखें एक प्रकार से इंक्रीमेंटल था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, धीरे धीरे फैल रहा था, धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे। लेकिन 1942 टू 1947 वो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं था, एक डिसरप्शन का एनवायरनमेंट था। और उसने सारे समीकरणों को खत्म करके आजादी देने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था, जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1857 से तो 1942 धीरे धीरे कुछ होता रहता था, चलता रहता था, लेकिन 42 से 47 वो स्थिति नहीं थी। हम भी देखें समाज जीवन में, हम पिछले 100-200 साल का इतिहास देखें तो विकास की यात्रा एक इंक्रीमेंटल रही थी, धीरे धीरे दुनिया आगे बढ़ रही थी, धीरे धीरे दुनिया अपने आप को बदल रही थी। लेकिन पिछले 30-40 साल में दुनिया में अचानक बदलाव आया, जीवन में अचानक बदलाव आया और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया।
कोई कल्पना नहीं कर सकता जो ये 30-40 साल में दुनिया में जो बदलाव आया है, व्यक्ति के जीवन में, मानव जीवन में, सोच में जो बदलाव आया है, 30-40 साल पहले हमें नजर भी नहीं आता था। एक डिसरप्शन वाला एक पॉजिटिव चेंज हम अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से इंक्रीमेंटल से बाहर निकल करके एक सम से एक हाई जंप की तरफ चले गए, मैं समझता हूं 2022 क्विट इंडिया के 75 साल और आजादी के 75 साल के बीच का 5 साल 42-47 का जो मिजाज था, वही मिजाज अगर दोबारा हम देश में पैदा करें 2072-2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे, तब हम देश के हमारे आजादी के वीरों के जो कामनाएं थी उन सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने आप को खपाएंगे, हम अपने संकल्प को लेकर आगे चलेंगे। मुझे विश्वास है न सिर्फ हमारे देश की भला होगा, लेकिन जैसे 42-47 की सफलता के कारण दुनिया के अनेक देशों को लाभ मिला, आजादी की ललक पैदा हुई, ताकत मिली, भारत को भी आज दुनिया का कई देश एक भाग ऐसा है जो भारत को उस रूप में देख रहा है। अगर हम 2072-2022 जो कि हम लोगों की जिम्मेवारी का कालखंड है, अगर हम विश्व के सामने भारत को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो विश्व का एक बहुत बड़ा समुदाय है जो किसी नेतृत्व की तलाश में, मदद की तलाश में है, किसी के प्रयोगों से सीखना चाहता है, भारत उस पूर्ति के लिए सामर्थ्यवान है। अगर उसको करने के लिए हम कोशिश करें, मैं समझता हूं देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। और इसलिए एक सामूहिक इच्छा शक्ति जगाना, देश को संकल्पबद्ध करना, देश के लोगों को साथ जोड़ करके चलना और इन 5 वर्ष के महत्व को हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे विश्वास है कि हम कुछ मुद्दों पर सहमति बना करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमने अभी अभी देखा जीएसटी, और ये मैं बार बार कहता हूं, ये मेरा सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा कन्विक्शन है। जीएसटी की सफलता ये किसी सरकार की सफलता नहीं है, जीएसटी की सफलता किसी दल की सफलता नहीं है, जीएसटी की सफलता इस सदन में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का परिणाम है। चाहे यहां बैठे हो चाहे वहां बैठे हो, यह सबको जाता है, राज्यों को जाता है, देश के सामान्य व्यापारी को जाता है, और उसी के कारण यह संभव हुआ है। जो देश के राजनीतिक नेतृत्व अपनी प्रतिबद्धता के कारण इतना बड़ा काम कर लेती है और दुनिया के लिए अजूबा है, जीएसटी विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है, उसके स्केल को देख करके हुए, अगर ये देश ये कर सकता है तो और भी सारे निर्णय ये देश मिल जाकर करके कर सकता है। और 125 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो, उस समय का सूत्र था करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, ये संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी, हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर गरीबों को उनका अधिकार दिलाएंगे और दिलाकर रहेंगे। हम सभी मिलकर नौजवानों को स्वरोजगार के और अवसर देंगे और देकर रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से कुपोषण की समस्या को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने वाली बेड़ियों को खत्म करेंगे और करके रहेंगे। हम सभी मिलकर देश से अशिक्षा खत्म करेंगे और करके रहेंगे। और कोई भी बहुत विषय हो सकते हैं, लेकिन अगर उस समय का मंत्र था करेंगे या मरेंगे, तो आजाद हिंदुस्तान में 75 साल वाला आजादी का पर्व मनाने की और आगे बढ़ रहे हैं, तब करेंगे और करके रहेंगे इस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये संकल्प किसी दल का नहीं, ये संकल्प किसी सरकार का नहीं, ये संकल्प 125 करोड़ देशवासी, 125 करोड़ देशवासियों के जनप्रतिनिधि, इन सब का मिलकर के जब संकल्प बनेगा तो मुझे विश्वास है संकल्प से सिद्धि के ये 5 साल
2017 से 2022 आजादी के 75 साल, आजादी के दीवानों को सपना पूरा करने का सामर्थ्यवान समय, इसको हम प्रेरणा का कारण बनाए। आज अगस्त क्रांति दिवस पर उन महापुरुषों का स्मरण करते हुए, उनके त्याग तपस्या बलिदान का स्मरण करते हुए, उस पुण्य स्मरण से आशीर्वाद मांगते हुए, हम सब मिलकर के कुछ बातों पर सहमति बना करके देश का नेतृत्व दें, देश को समस्याओं से मुक्त करें, सपने, सामर्थ्य, शक्ति और लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आजादी के दीवानों को नमन करता हूं। श्रीमती सोनिया गांधी।